जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में बांग्लादेश ने रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीत दर्ज कर ली है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नजमुल हुसैन सांतो ने 71 रनों की मदद से बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे की टीम को 151 रनों का लक्ष्य दिया। बाद में रनों का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की पारी शुरुआत में लड़खड़ा गई, लेकिन सैन विलियम्स ने पारी को संभाला और मैच को आखिरी तक ले गए। बांग्लादेश की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए तस्कीन अहमद ने 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे को 12 बॉलों पर 26 रन की जरूरत 19वां ओवर शकीब अल हसन लेकर आए थे। शकीब अल हसन ने सैन विलियम्स को शानदार तरीके से रनआउट करके पवेलियन भेजा और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। इसके बाद 6 बॉलों पर 16 रन बच जाते हैं। बांग्लादेश की ओर से आखिरी ओवर करने आए मोसादिक हुसैन की पहली गेंद पर 1 रन आता है, दूसरी बॉल पर वाई के रूप में चौका आता है, चौथी बॉल पर एक छक्का लगता है, अब रन बचते हैं 2 बॉलों पर 5। लेकिन इसके बाद आगे निकलकर खेलने की कोशिश करते हैं और 5वीं बॉल पर जिम्बाब्वे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 1 बॉल रह जाती है और 5 रन बचे होते हैं और नया खिलाड़ी क्रीज पर आता है। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज आगे निकलकर शॉट खेलते हैं और स्टंपिंग कर दी जाती है और बांग्लादेश यह मैच जीत जाता है और जीतने का जश्न भी मनाने लगता है। लेकिन तभी थर्ड एम्पायर देखते हैं कि जो स्टंपिंग की गई वह फेयर तरीके से नहीं की गई है। बांग्लादेश के कीपर नरुल हसन स्टंपिंग करते समय कुछ आगे की ओर आ गए थे, इसलिए बॉल को नो करार दिया गया। अब 1 बॉल पर 4 रन रह जाते हैं और अब जिम्बाब्वे को एक बार फिर से उम्मीद जाग उठती है, लेकिन आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आता। इस प्रकार से बांग्लादेश 3 रन से यह मैच जीत जाता है। तो आपको यह मैच अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।